नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा। जल्दी से आ जाइए ऑनलाइन सो डैट वी कैन स्टार्ट टुडेज सेशन विद द करंट अफेयर्स विच इज़ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जीएडी सेक्शन। इट कंप्राइजेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस जो कि 40 मार्क्स के आसपास बनते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप लाइटली नहीं ले सकते, करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए। कहाँ चले गए सभी एस्पिरेंट्स? कोई भी नहीं आया आज। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ और नोटिफिकेशन मैं भेज चुका हूँ सभी को। आप लोग भी अपने एंड से शेयर कर दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून। जय हिंद, जय भारत, जबरदस्त। ये हुई ना बात, एक से सीधा 23, 23 से सीधा। हाँ हाँ, कितने 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 आ रहे हैं और जय हिंद दोस्तों, 27। चलो ऑलराइट, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। कंफ्यूजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बच्चे। संकल्प बैच के नोट्स कहाँ मिलेंगे? संकल्प बैच के डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स हैं, वहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, निशांत तोमर और टीम अर्पित पे भी मिल जाएंगे आपको, और आक्रमण 3.0 उस पर भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, हाँ जी आदित्य राज, जबरदस्त, जय हिंद दोस्तों। भव्य भव्य, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। चले लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। लेकिन उससे पहले बच्चों, जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, एनडीए की प्रिपरेशन करनी है आपके पास अप्रोक्सीमेटली, देखिए पूरा अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने हैं। तो 4 महीने डट कर मेहनत करें ताकि आप अपने एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, और पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो टीम अर्पित आपको पूरा करवा रही है, संकल्प एनडीए 1 2022 बैच में। ठीक है, तो उसके लिए आपने लेना है प्लस सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन को प्रेस करेंगे। लेकिन मैं एडवांटेजेस बता दूँ कि आप लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज भी होता है, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं, और उसी के साथ साथ आपको पीडीएफ भी सारी मटेरियल की मिल जाती है। राइट, तो आपने लेना है प्लस सब्सक्रिप्शन, और पूरा टीम अर्पित आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है जी, एज यू कैन सी द नेम ऑफ द बैच इज संकल्प 2022। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का बटन उनके लिए आ जाएगा। अगर हम गेट सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं यहाँ से, तो आपको प्राइसिंग पेज दिखेगा। प्राइसिंग पेज के अंदर आपकी मर्जी, आप कितना लेना है, प्लस लेना, आइकॉनिक लेना। आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन लेगा उनको प्रायोरिटी मिलती है डाउट क्लियरिंग सेशंस के अंदर। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर आइकॉनिक सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आइकॉनिक का यहाँ पर रेट आ जाएगा 12 महीने का 10,560 रुपये, बेसिक प्राइस है ये। इसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ रेफरल कोड पूछेगा, रेफरल कोड में टीम अर्पित आपने एंटर करना है, कैपिटल लेटर्स विदाउट स्पेस, TEAM ARPIT, कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, विदाउट स्पेस होना चाहिए। और जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको प्राइसिंग एडजस्ट हो जाएगी। दिखा देता हूँ मैं आपको, टीम अर्पित हमने एंटर किया, कैपिटल लेटर्स विदाउट स्पेस, अप्लाई किया, 10,500 गया, 9,504 हो गया है। और दोस्तों 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने का SSB भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है जी, चले जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, डाल दूंगा प्रभात गिरी। और कुछ बच्चे इतने ज़्यादा इम्पेशेंट है, अरे सर पढ़ाओ, अरे सर पढ़ाओ, अरे आपको हमसे ज़्यादा चिंता है क्या? अरे जितने हो आप उतनी बात क्यों नहीं करते यार? अभी आप इतने बड़े क्यों बन जाते हो अचानक से? क्या नाम है? मैं डाल दूंगा जी, बिल्कुल डाल दूंगा। अंशु यादव हैं, अंशु चले जी, आशु अंशु। आपदा मित्रा स्कीम, आपदा क्या है आपका? क्राइसिस या डिजास्टर, एमरजेंसी। आपदा मित्रा स्कीम, इट मींस आप ये समझ गए होंगे कि डिजास्टर के अंदर कुछ हेल्प करने के लिए आपदा मित्रा स्कीम लॉन्च करी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपदा मित्रा स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री।
और क्या है इसके अंदर, ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर द कॉमन प्रोटोकॉल, फिर चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, एक कॉमन प्रोटोकॉल होना चाहिए हमारे पास, प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, हम एक कॉमन गाइडलाइंस के अंदर काम करें, इसलिए आपदा मित्रा स्कीम। ठीक है जी, डन। ठीक है, आवाज तो आएगी बैकग्राउंड, सो आई कैनॉट हेल्प इन दिस। द कैबिनेट अप्रूव द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। ये स्कीम कब तक वैलिड रहेगी? अभी 2025-26 तक ये इंप्लीमेंट रहेगी। द कैबिनेट अप्रूव द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। और नेशनल एक्सपोर्ट, अब जैसे कि अब आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट इंडिया के बढ़ गए हैं, इम्पोर्ट भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जब इंडिया के बायलैटरल या फिर इंडिया के ट्रेड की बात होती है, फॉरेन ट्रेड्स की, तो इंडिया सरप्लस में चली गई है। सरप्लस ट्रेड का मतलब है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए, इम्पोर्ट कम हो गए हैं, और हम लोग अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं। किसी ज़माने में हम लोग इम्पोर्ट करते थे, अरे भाई ये दे दो, अरे भाई वो दे दो, हर चीज़ आती थी हमारे पास। हाँ जी आदित्यराज, ठीक है, ओके गुड। तो अब ऐसा है कि जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ेंगे, तो आपको इंश्योरेंस स्कीम भी उनके लिए चाहिए होती है, ताकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रहे ट्रेडर्स के अंदर कि आपका जो भी मटेरियल गया है वो इंश्योर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्कीम को इंक्रीज कर दिया है 2025-26 तक। चलिए, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021, आप डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की तरफ चले गए हैं, आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो डिजिटली हो रही है, और जो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपने मोबाइल से ही बैंकिंग करते हैं, तो ये रिपोर्ट एक क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या हम उसके अंदर बेहतर कर सकते हैं, ये सभी रिपोर्ट अंकटाट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है जी, बस इसके अंदर और फिर आगे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 2021। ओल्डर पर्सन, ठीक है, हाँ जी निशांत, ये मैंने सुबह वाली क्लास में भी कराया है। यस, ठीक है, मैंने सुबह वाली क्लास में भी यही कराया है निशांत, राइट। तो अभी आप रिवीजन कर लीजिए, आई होप अभी जो ऑनलाइन क्लास संकल्प में रहेगी, अब पुर्णव सर की होगी ना शायद अब क्लास। चले, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्विटी में फर्क होता है, इक्विटी होता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो सप्लाई होती है रिसोर्सेज की वो, और यहाँ पर जैसे कि अब इक्विटी हम यहाँ पर कहेंगे, इक्वालिटी हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है वहाँ पर कम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि बजट एलोकेशंस अलग अलग होती है, और यहीं पर हम अगर कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल दिल्ली की हम बात करें, तो दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर लगभग 100-110 रुपए लग जाते हैं सिर्फ आपके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। वही काम किसी दूसरे शहर में या छोटे शहरों में, जैसे कि अंबाला है, आपने बैटरी रिक्शा पकड़ा, एक उसको 20 रुपए दिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, काम हो गया ख़त्म। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली के लोगों का है, तो इसलिए दिल्ली में अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे फिर वो हेल्थ की हो या फिर आपके रिसोर्सेज की हो। तो डिजिटल इक्विटी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। अब फ़ोन है, इंटरनेट है, यंग अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बिजी रहते हैं, तो कुछ अकेलेपन का सामना भी करना पड़ता है ओल्डर एजेस में। अब उनके पास भी भाई साहब नेट है, अगर नहीं है, देखिए नेट तो है सबके पास, लेकिन ये कह रहे हैं कि डिजिटल जो सुविधाएं हैं वो ओल्डर पर्सन को भी दी जाए। ठीक है, तो उसकी थीम है ये, एक इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, जिसके अंदर गवर्नमेंट को ये मतलब ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ स्कीम लॉन्च करते रहें ताकि उनको अकेलापन ना फील हो। ठीक है,
और कुछ भी नहीं इसमें। चलिए जी, और हेल्थ इश्यूज भी, अब जैसे फोन पे काफ़ी चीज़ें पता लगती रहती है, अपडेट्स आते रहते हैं, कोरोना अपडेट्स आ गए, आपको अपनी हेल्थ के अंदर क्या रखना है, कुछ नया क्या लॉन्च हुआ है, जैसे अश्वगंधा, उसके बेनिफिट पता लगे आपके। हाँ, इंडियंस को तो शुरू से पता थी, बाहर के लोगों को अब पता लगे हैं, ठीक है। तो उसका यूज़ बढ़े, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके हर कोई, और कुछ भी नहीं। चले प्रशासन गांव के संग, प्रशासन गांव के संग ये राजस्थान की एक स्कीम है, प्रशासन गांव के संग एक स्कीम है ये। चलिए जी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के 22 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको रिमोट विलेजेस तक ओपन करके दिया है, सो डैट उस एरिया के अंदर भी जो रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नेंस है, वो पहुंच सके। तो प्रशासन आपके गांव संघ, इट मींस ग्रास रूट लेवल तक 22 डिपार्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो वहां तक भी खुले हैं। चलिए, डिजी सक्षम प्रोग्राम, डिजी सक्षम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है ये। डिजी सक्षम का मतलब है कि ऑनलाइन आपको, ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्टार्ट किया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड डेवलपमेंट ने। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और जो जॉब सीकर्स हैं उनकी ट्रेनिंग या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं डिजी सक्षम के अंदर, और उनको जॉब्स भी मिलेगी और उनको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द हेड ऑफ, सॉरी, हु इज द हेड ऑफ द एक्सपोर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप, सारा ब्लंडर हो गया। तो ओफ राम, हु इज द हेड ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप ऑन मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर वेजेस, मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए। हालांकि अगेन यहाँ पर इक्वालिटी और इक्विटी की बात है, मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए वो आपके टैलेंट, आपका फील्ड, इसके अकॉर्डिंगली सेट होता है। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर भी महीने का 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और कोई दूसरी फील्ड भी 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं स्पेशलाइज नॉलेज महंगी है, उसके अंदर आपने मास्टरी करनी है, MBBS है, उसको करने 35 से 40 लाख रुपए लग जाते हैं और 5 साल का वक्त भी लगता है। सेम वैसे ही इंजीनियरिंग का भी हाल है। तो स्पेशलाइज नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। अब ऐसे में आप कहेंगे कि क्वालिटी होनी चाहिए, तो डॉक्टर ने भाई साहब 35 लाख रुपए लगाए हैं, उसके फैमिली ने, उस वो डॉक्टर बने हैं, पूरी मेहनत करी है, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, अपने स्टाफ को भी उसमें से सैलरी देनी है और इक्विपमेंट्स भी खरीदने हैं, कॉन्फ्रेंसिस पे भी जाना है, टाइम के साथ साथ आगे भी चलते रहना जो नए नए चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे में जो मिनिमम, अब देखिए दो चीज़ें ना मैं यहाँ पर मिक्सअप हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मैं इक्वालिटी की बात कर रहा था, लेकिन मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए सो डेट एक न्यूट्रिशनल वैल्यू भी एक इंसान को मिल जाए और डेली वेजेस पे वो काम कर सके, ठीक है। तो ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है ये है SP मुखर्जी के अंडर। SP मुखर्जी अपॉइंट हुए हैं किसकी जगह, अजीत मिश्रा की जगह, और यहाँ पर कह रहे हैं कि 375 पर डे या फिर 9750 हर किसी इंसान को मिलने चाहिए, और सेक्टर स्किल ऑक्यूपेशन यहाँ पर मैटर नहीं करता, अर्बन रूरल लोकेशन भी मैटर नहीं करता, 9750 रुपये हर किसी को मिलने चाहिए। यहाँ पर ये जो है SP मुखर्जी जो है अब इस पैनल के हेड हैं, राइट। और मिनिमम वेजेस का जो फंडा है वो बहुत पुराना है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 1950-60 से ही चीज़ें चली जा रही है। प्लानिंग कमीशन ने तो कहा था कि जब प्लानिंग कमीशन थी मोहनतेक सिंह आलूवालिया जी के अंडर, जब वो उसके डिप्टी चीफ थे, मनमोहन सिंह जब चेयरमैन थे, प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते थे अपना प्लानिंग कमीशन के, तो उन्होंने तो 120 रुपये रखा था मिनिमम वेजेस, 120 रुपये में खाओ पियो मस्त हो जाओ, बस सरकार ने अपना काम कर दिया भाई साहब, ठीक है जी। ये 375 रुपये यहाँ पर कह रहे हैं या 9750 रुपये, रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। यहाँ पर ये भी कहा गया था, पीछे एक बात उठती थी मेरे ना, वो स्किप हो गई है माइंड से, वो टर्म एक्चुअली एकदम स्किप हो गया, मैं वही बड़ी देर से सोच रहा हूँ। तो कहा जाता था कि आपकी अगर इक्विटी है सोसाइटी के अंदर तो आप एज पर दी स्पेशलाइजेशन
एक इंसान 15,000 तो कमाए, मैं भूल गया वो स्कीम पीछे क्या थी। ये वर्ल्ड ओवर एक ये ग्लोबल इशू था, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबल इशू था। मैं एकदम से स्किप हो गया, ध्यान में आएगा तो बताता हूँ आपको। लेकिन अभी 375 रुपये पर डे या 9,750 रुपये पर मंथ मिनिमम वेज जो सेट की है वो SP मुखर्जी एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड 1,800 करोड़ टू रिपे द माइक्रो फाइनेंस लोन टू 11 लाख बोरोवर्स ऑफ द स्टेट। 11 लाख बोरोवर्स हैं उस स्टेट में, असम इसका आंसर है। और ठीक है जी, ओके। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 1,800 करोड़ रुपये अप्रूव किए हैं 11 लाख बोरोवर्स। MSME सेक्टर के होंगे या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के होंगे या फिर आपके सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। मिनिमम जो आपकी क्राइटेरिया है यही कि आपका क्रेडिट ख़राब नहीं होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलता रहेगा। अगर आपने रीपे नहीं किया तो NPA हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अप्रूव कर दिया है कि आप उनको लोन देंगे और वो रीपे करेंगे, सो डैट उनका क्रेडिट ख़राब ना हो, है ना। वो लोन वेव ऑफ भी कर सकते थे लेकिन लोन वेव ऑफ नहीं किया है, यहाँ पर उन्होंने उनको और पैसे दिए हैं। चलिए, असम इज़ द राइट आंसर। मैं ये समझ नहीं पाया कि इस मूव के पीछे इनका मतलब, चलिए क्या कह सकते हैं। अदायूर और कुटियातूर ये दो चीज़ें रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये है आपके केरला की, उदयायूर है आपकी चिली है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बताएंगे, बता देंगे जी। चले, ये है चिली, हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, उदयायूर, ठीक है। और कुटियातूर है आपका मैंगो। इन दोनों को मिला है GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है किसी सिक यूनिट को या किसी ऐसे प्रोडक्ट को, किसी ऐसे स्किल को जो धीरे धीरे ग्रेजुअली ख़त्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, उसको रीबूस्ट करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको रीलॉन्च करने के लिए GI टैग दिया जाता है। सो डैट जो लोग उस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, उस स्किल के साथ जुड़े हैं, उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं, उनकी अर्निंग मल्टीप्लाई हो। और वर्ल्ड ओवर रिकग्निशन मिले उनको। अब ये है मैंगो और चिली, कहाँ पर, केरला में, उदयायूर एंड कुटियातूर, ठीक है जी। ये मैंगो और चिली है रिस्पेक्टिवली, याद रहेगा, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NDA 120/22। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन डेट हिट ओमान एंड इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ द साइक्लोन गुलाब। साइक्लोन गुलाब, ट्रॉपिकल साइक्लोन या इंटर ट्रॉपिकल साइक्लोन यू कैन से, गुजरात में आया था, उसका एक फ्रैक्शन या एक ऑफस्प्रिंग ओमान तक पहुंचा, उसका नाम था शाहीन, ठीक है जी, शाहीन नाम दिया गया था, ठीक है जी, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। चलिए, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई। अब बोरदोलाई ये जो अवार्ड है विद कौन से स्टेट का है, नेशनल इंटीग्रेशन के फील्ड में दिया जाता है ये, आपकी कंट्रीब्यूशन जिससे कि आपकी नेशनल इंटीग्रेशन। अब नेशनल इंटीग्रेशन है कि आपने ब्रदरहुड को बढ़ावा दिया है, आपने सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक करके रखा है। तो ये जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अवार्ड है ये है असम का, ठीक है जी। असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का, नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे और भारत रत्न अवार्डी भी हैं ये गोपीनाथ बोरदोलाई, राइट। हर्षल शर्मा जी बहुत बड़े,
चेयर्स ले जी। ऑलराइट, व्हेन इज द वर्ल्ड एनिमल डे ऑब्जर्व्ड? ये बनाया जाता है 4 अक्टूबर को, और इस दिन, ये जो 4 अक्टूबर का दिन है, ये फ्रांसिस ऑफ असीसी जो हैं आपके हेनरिक जिमरमैन, 1925 में हेनरिक जिमरमैन ने एड्रेस किए थे डिफरेंट डिफरेंट वर्क जो कि वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल दोनों की प्रोटेक्शन के लिए थे, और उन्हीं को कंट्रीब्यूशन है ये 4 अक्टूबर को जो बनाया जाता है नेशनल डे, सॉरी वर्ल्ड एनिमल डे। राइट, चलिए। पोंट डी फेरो वॉज सॉरी विच हैज़ कोलैप्स्ड रिसेंटली। अब ये था क्या, पोंट डी फेरो कोलैप्स हुआ है, ये है ब्रिज। ब्रिज पोंट डी फेरो, अब ये किस कंट्री का ब्रिज था? ये इटली का ब्रिज था। राइट, और कौन सी नदी पर था? ये था बच्चे आपके टाइबर, ठीक है, टाइबर रिवर पर था ये। ये कोलैप्स हो गया है पोंट डी फेरो। राइट, चलेंगे। विच एजेंसी हैज अप्रूव्ड द थर्ड बूस्टर शॉट? दो वैक्सीन होगी तो थर्ड बूस्टर शॉट भी लगेगा, लेकिन ये फाइजर के लिए बोला है इन्होंने, बायोटेक एंड फाइजर जो वैक्सीन है अमेरिकन, 18 साल से ऊपर उनको एक बूस्टर शॉट भी लगेगा। तो किस एजेंसी ने इसको अप्रूव किया? ये किया है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ठीक है, EMA, नॉट IMA, ठीक है, EMA हैज रिसेंटली अप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द थर्ड बूस्टर शॉट ऑफ द बायोटेक एंड फाइजर वैक्सीन। यहाँ पर एक ही शॉट से काम हो गया था, वहां पर दो शॉट के बाद एक उनको बूस्ट भी चाहिए, ठीक है जी। इंडिया में एंटर करती है कहां से? तो अरुणाचल प्रदेश, मीरी और अबोर हिल्स के बीच में से, दिहांग के नाम से, ठीक है, और वो टर्न करती है तिब्बत से, नमचा बरवा है वहां पर, वहां से टर्न करती है और इंडिया में एंटर कर जाती है। जिमैक्स, इंडिया और जापान, जिमैक्स एक मैरिटाइम एक्सरसाइज है, इट मींस एक नेवल एक्सरसाइज है, जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स। ऑलराइट, चलिए, 5th edition है इसका, बायलेटरल एक्सरसाइज है, ऑफ कोर्स जापान इंडिया में बायलेटरल ही होगा। राइट, चलिए, जिमैक्स। नहीं, शादी में नहीं गया था मैं। चले, पंबन रेलवे ब्रिज, पंबन रामेश्वरम तमिलनाडु में, और वहां से फिर राम सेतु स्टार्ट हो जाता है जिसको एडम्स ब्रिज भी कहते हैं कई लोग, तो वहाँ से मेन लैंड को जोड़ना है तमिलनाडु के मेन लैंड को, तो वहाँ पर 2 किलोमीटर का एक ब्रिज बन रहा है जिसका नाम है पंबन रेलवे ब्रिज, ठीक है। ये तमिलनाडु की बात है, ये पूछ रहे हैं कि किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है ये, या यूनियन टेरिटरी के अंदर। अब इसमें से यूनियन टेरिटरी तो कोई है नहीं, तो स्टेट ही हो गया है ना, तो वो है तमिलनाडु आपका, और ये रामेश्वरम से मेन लैंड जो आपका तमिलनाडु है उससे जोड़ता है पंबन। पंबन एक्चुअली जो ब्रिज है नया ब्रिज है, एक और ब्रिज है पुराना, ठीक है, बट दिस वन इज न्यू। लोग तो बहुत कम है, तो क्या करें फिर, पकड़ पकड़ के लाए लोगों को, आ भाई आ जा, तू भी आ भाई, तू भी आ। ध्रुव ने तो प्लस ले लिया है, कमलेश का कुछ आइडिया नहीं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मित्र स्कीम है जो बजट 2021-2022 के लिए जो था अनाउंस किया गया था, किस फील्ड के साथ जुड़ा है मित्रा स्कीम?
मित्रा स्कीम है टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर 21 लाख लोग जुड़े हुए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, और उनकी लाइवलीहुड, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को उठाने के लिए, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उनको लगे कि वो एक ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जो बहुत पुरानी है, जो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वर्ल्ड ओवर रिकग्नाइज है इंडिया की टेक्सटाइल्स, है ना, चाहे फिर उसके अंदर साड़ीज हो, कुर्ताज हो, शेरवानी हो, ट्राउजर्स हो, शर्ट हो, कोट हो, पैंट हो, जो भी हो, ठीक है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 21 लाख लोग उसके साथ जुड़े हैं, और इसके अंदर जॉब जनरेशन के लिए मित्रा स्कीम अनाउंस की गई है, और मित्रा स्कीम का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल्स, मेगा इंटीग्रेटेड, जबरदस्त है ना। और कितना महंगा होता है ये देखिए, महंगा का मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि महंगा होता है, देखिए कितना, नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि काफी एसेट्स वाला सेक्टर है टेक्सटाइल, ठीक है। हर एक इंसान ने कपड़े पहनने, पूरे वर्ल्ड में कपड़े पहनने, तो इंडिया जो है इसका एक मेन हब बन सके उसके लिए मित्रा स्कीम, ठीक है जी, ग्लोबल लीडर बन सके इंडिया टेक्सटाइल्स के अंदर। चलिए, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द गुड स्मरितन इनिशिएटिव। अब क्लास छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि गुड स्मरितन इनिशिएटिव के अंदर जो इंसान एक्सीडेंट होते हुए देखता है और उस एक घंटे के अंदर पुलिस को भी बता देता है और उसको असिस्टेंस देता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको 5,000 रुपये मिलते हैं। क्लास छोड़ के मत चले जाना, कहीं आप रोड पे जा कर के देखो जी किसका एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई किसका हो गया, वहीं पर 5,000 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अनाउंस किया है गुड स्मरितन के नाम से, ये एक इनिशिएटिव है, 5,000 रुपीज़ मिलेंगे जो मदद करेगा किसी का एक्सीडेंट हुआ तो, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि अभी एक्सीडेंट हुआ तो एक दो घंटे बाद आप मदद कर रहे हैं, एक घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको बुलाते हैं गोल्डन आर, उस गोल्डन आर के अंदर आपने हॉस्पिटल पहुँचा दिया, जान बचा ली, आपको 5,000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। क्लास छोड़ के नहीं जाना है, देखना किसी ने। चले, पीएम बीजेपी, बीजेपी के पीएम हम तो जानते हैं, चलिए फुल फॉर्म क्या है इसकी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इज दी फुल फॉर्म। एक बच्चा चला गया, 38 तो 37 हो गया, वो तो निकल लिया भाई सर, वो कह रहा ले भाई 40 हो गया सर। पीएम बीजेपी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। आयुष हॉस्पिटल्स या मेडिसिन सेंटर्स वर्ल्ड पूरे इंडिया में खोले जाएं, जिससे कि एलोपैथी के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, हेल्थ कॉन्शियस हो लोग योगा के चलते, और साथ ही साथ जो मेडिसिन हैं वो सही रेट पर मिले, मतलब कि जेनरिक मेडिसिन का यूज़ करा जाए, ना कि ब्रांडेड का। जेनरिक होता है आप सॉल्ट नेम, वहाँ पर ब्रांड मेंशन नहीं होता है। अगर आपने मांगा है पैरासीटामोल देना तो पैरासीटामोल मिल जाएगी आपको, ये नहीं कि आपको पैरासीटामोल की जगह क्रोसिन या फिर वो विक सेक्शन 500 जो कॉम्बिनेशन वगैरह होते हैं, वो ब्रांड या नेम नहीं बिकता है, जेनरिक में सॉल्ट बिकता है सीधा, ठीक है जी। तो यही जन औषधि केंद्र जो है ये 10,000 आउटलेट्स खोलने हैं 2024 तक, सो डेट सस्ती मेडिसिन मिले, क्वालिटी और सस्ती, क्वालिटी मतलब अच्छी हो। बता दो, कोई तो बता दो कहाँ मिलेगी पीडीएफ, कोई बताता क्यों नहीं है, अरे बताओ भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी। बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन करना, सबसे पहले वहां मिल जाएगी आपको। चले, आफ्टर आरबीआईज अक्टूबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, what is the repo rate? Repo rate is 4% nowadays. All right, now what is a repo rate?
सबसे पहले तो करेंसी कैसे प्रिंट होती है वो जान लीजिए। करेंसी प्रिंट करने के, अब पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी, रिक्वायरमेंट्स धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि बच्चा पहले क्या है कि दूध पर होता है, फिर उसको साथ ही एक ही प्लेट में खिला देते हैं कि ले खा ले भाई, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो फूड रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती है। जब रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी इट मीन्स डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज करनी पड़ती है, सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ती है तो उसके लिए चाहिए पैसा, क्योंकि नंबर्स बढ़ाने हैं आपको गुड्स के, सर्विसेज के, फूड ग्रेन्स के, तो हमें पैसा चाहिए होता है। वो पैसा सरकार आरबीआई के पास जाती है क्योंकि वो सरकार का बैंक है, और कहती है कि मेरे पास ये बॉन्ड है जो कि जितनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन है, इसकी ये सिक्योरिटी मैं आपके पास रख रहा हूँ, जितनी सिक्योरिटी का अमाउंट है उतनी करेंसी प्रिंट कर दो। वो प्रिंट होते हैं और वो जाते हैं बैंक्स, बैंक्स से जाता है लोगों के पास, लेकिन ऐसे नहीं फ्री में, नहीं ना 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 फ्री में कुछ नहीं मिलेगा भाई, देखो ब्याज देना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट रेट होता है। तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंक को पैसा देती है उसको रेपो रेट कहते हैं, वो 4% है, ठीक है, डन। The resocrator, which was seen in news recently, is a depression found in which space body? कहाँ पर है ये resocrator? ये करा था हमने, मार्स पर है ये, मार्स के ऊपर एक रोवर जिसका नाम है Perseverance, वो रोवर किसका है, नासा का वो रोवर है, और उसने उसको लैंड किया और वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके वो आएगा, और जिस डिप्रेशन में जहाँ से उसने वो सैंपल कलेक्ट किए हैं वो है आपका ज़रेज़ो, मार्स पर, ठीक है, मंगल ग्रह है। इंडिया एग्रीड टू प्रोवाइड $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच कंट्री, किस कंट्री को इंडिया 200 मिलियन दे रहा है। इंडिया का ना एकदम देखा, देख रहे हैं आप, एकदम से पिक्चर बदल गई, अपसाइड डाउन इनसाइड आउट एकदम से बदल गया। लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा रहा है इंडिया, ले जा तू उधार ले जा, कोई बात नहीं दे दियो, 2 महीने में देता था तू, कब आने आराम से दे दियो, 5-6 महीने में कोई दिक्कत नहीं, कितने चाहिए 100 मिलियन तो 200 मिलियन रख, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, दे दियो। इट मीन्स हम अपनी इकोनॉमी के कंफर्टेबल लेवल पर पहुँच चुके हैं। देखिए बच्चे, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हमारे देश के अंदर खुद इतनी गरीबी है, इतने लोग हैं वो भी अभी भूखे पेट सोते हैं, सड़कों पर रहते हैं, चैलेंजेस बेटा साथ साथ रहते हैं, ठीक है, ये एक नेवर एंडिंग, यही संसार है, अगर आप देखें इसको, चीज़ को देखें तो संसार ऐसे ही है, यहाँ पर दुख कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। हाँ ये है कि स्टैंडर्ड हम ज़रूर बढ़ाते रहना है हमें हर किसी इंसान का, और जो लेवल है, जो गैप है उसको कम करना है, लेकिन चीज़ों में सुधार है, ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। राइट, सो किर्गिस्तान चूँकि सेंट्रल एशिया की कंपनी है, USSR पहले हुआ करता था, और 1991 में सोशलिज्म जब से फॉल हुआ तब से ये सेपरेट कंट्री है, और किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के अलाई हैं, इंडिया के अलाई कंपनीज है ये, इम्पोर्टेंट सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी अच्छी है यहाँ पर। तो किर्गिस्तान को दिए $200 मिलियन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, और लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा के दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट वही है कि जो उधार की सीमा है, 2 महीने के लिए उधार दे रहा हूँ, उसको इंक्रीज कर दिया, 5 महीने में दे दियो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चले राइट। विच एनिमल स्पीसीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज धोल या धोले, ठीक है, तो क्या है ये, धोल ही कहते हैं इसको, दूसरा बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, धोले नहीं, धोल, ठीक है जी। एशियाटिक वाइल्ड डॉग हायना
आर्ट वॉल्व या फिर अफ्रीकन एलिफेंट? इंडियन रेवोल्यूशन बुक पहुंची, थोड़ा सा आगे पहुंची है, इंडियन रेवोल्यूशन तो आके रहेगा। ठीक है, चलिए। तो एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ठीक है, ढोल इज एन एनिमल नेटिव टू सेंट्रल साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अदर नेम ऑफ दिस स्पीसीज इंक्लूड एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग, रेड डॉग एंड माउंटेन वॉल्फ। क्यों हंस रहे भाई? इतना बता सक रहे? चले, तो स्केड्यूल 2 के अंदर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। अ रिसेंट स्टडी हैज आइडेंटिफाइड 114 प्रायोरिटी तहसील वेयर हैबिटेट्स कैन बी कंसोलिडेटेड टू एनहांस पॉपुलेशन कनेक्टिविटी फॉर द ढोल। द एनिमल आर फाउंड इन 3 क्लस्टर अक्रॉस इंडिया, नेमली द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट मीन्स ये सभी के सभी आपको ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है। साहिल कौशिक जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। डोलो ये दिखा दूं, डोलो के लिए उतारना पड़ेगा ना जैकेट, और हो रही ठंड यहाँ पर, 14 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये स्केड्यूल 2 में आ रहा है, इट मीन्स एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया है। और एंडेंजर्ड स्पीसीज से निकालने के लिए इसको, सर नमस्कार, जय हिंद सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बच्चे, ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए जो है प्रायोरिटीज़ दी गई है तहसील को कि आप ये काम, मतलब उनका एरिया एनहांस करेंगे। विच इंडियन स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च्ड अ पेट्रोलिंग ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन सतर्क। पेट्रोलिंग ऑपरेशन है सतर्क के नाम से, ये है न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली हैज़ लॉन्च्ड अ पेट्रोलिंग ऑपरेशन सतर्क। और यहाँ पर जो सतर्क, आप समझ सकते हैं कि जैसे फेस्टिव सीजन आता है यहाँ पर, तो सतर्कता तो दिखानी चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को मालूम है। ठीक है, चले। एज पर गवर्नमेंट रिसेंट नोटिफिकेशन रिलीज इन 2021, व्हाट इज द गेस्टेशन लिमिट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी जो था पहले 1 मंथ के अंदर, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस आ जाते थे। अभी देखिए कि 20 फिर वीक किया गया उसको, 20 वीक किया गया, 20 वीक कितना हो गया, 5 महीने, उसको 6 महीने कर दिया। 6 महीने के पीरियड तक भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा जो है मेडिकल फील्ड के अंदर डेवलपमेंट हो गया है कि आप 6 महीने तक भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके पीछे वजह क्या है 6 महीने की प्रेगनेंसी? काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल 2021, अ वुमेन इंक्लूडिंग सर्वाइवर ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, किसी का रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, और मैरिटल स्टेटस के अंदर कुछ जैसे कि विडो हो गए या फिर डिवोर्स हो गया, बेबी नहीं चाहिए, तो आप 6 मंथ तक उनको टर्मिनेट कर सकते हैं। 6 मंथ के बाद करेंगे तो वो एक मर्डर माना जाएगा, एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, बट आप 6 मंथ तक
टर्मिनेट कर सकते हैं अब, ठीक है जी, अब वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? यहाँ पर आंसर है सज्जन जिंदल, राइट, सज्जन जिंदल इज द राइट आंसर, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरपर्सन, एक इंडियन, बहुत अच्छी बात है। रोहन सिंह, थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये सब चीज़ें करेंगे कवर, सभी चीज़ें करेंगे, ज्योग्राफी पॉलिटी भी करेंगे, डोंट वरी। ही इज़ द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, ठीक है जी। यू योंग थे इनसे पहले, यू योंग की जगह ये आए हैं। एस्टेब्लिश्ड इन 1967 और इसके हेडक्वार्टर्स है ब्रजल्स में, ठीक है। हर बड़े किसी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर या तो ब्रजल्स है या फिर वियना। चले, प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल, ये किस आर्म्ड फोर्स को मिलता है? जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, इसके हिंदी है तटरक्षक कोस्ट गार्ड, ठीक है, तो कोस्ट गार्ड में मिलता है प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल, ठीक है जी। चले, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन 2021? और रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, ये थीम है इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन 2021। जेंडर इक्वालिटी और जो रूरल एरियाज में वुमेन है उनको एम्पावर करना इज द मोटो, ठीक है। ये थीम रही है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2007 में इसको स्टार्ट किया था, इस डे को जो था सेट किया था कि इस दिन हम इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन बनाएंगे। 40% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लेबर फोर्स इज डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग वुमेन। जितनी भी एग्रीकल्चर फोर्स है, मतलब मैन पावर है, वो 40% डेवलपिंग नेशंस के अंदर 40% एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है और उसमें वुमेन भी आती हैं, ठीक है। आप अपने भारत में देख लीजिए, कटाई के वक्त पंजाब हरियाणा यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, यूपी बिहार ओडिशा से कटाई के वक्त, और वो माइग्रेंट वर्कर्स कहलाते हैं, ठीक है। जब कटाई का सीज़न नहीं होता तो वो फिर दिल्ली या किसी बड़े महानगर के अंदर वो ऑड जॉब्स करते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। अपने देश, अपनी कंट्री के अंदर, अपने ही स्टेट के अंदर वो वहाँ पर काम इसलिए नहीं कर पाते कि रिसोर्सेज तो भरपूर है भाई साहब, बिहार यूपी ओडिशा वेस्ट बंगाल, बट कहीं ना कहीं माफिया राज भी है, ठीक है। और उस माफिया राज के अंदर जो पुलिस मशीनरी है, जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे ना, जब तक सिंगम नहीं बनेंगे, तब तक माफिया राज भी, माफिया राज टिका रहेगा जब तक। चले, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये अमेरिका के साथ है युद्ध अभ्यास, ठीक है जी। ये उधरी हुई थी आपके अमेरिका में, युद्ध अभ्यास अमेरिका में हुई थी और मार्च अप्रैल के आसपास एक इंडिया में हुआ था, इंडिया और अमेरिका की एक्सरसाइज, उसका नाम था, इसका नाम था जी युद्ध अभ्यास और युद्ध, देखना पड़ेगा भाई, देखें बताएगा कोई। एक युद्ध अभ्यास जो अमेरिका में हुई थी, जो इंडिया में हुआ था, इसका नाम था आपका अभी थोड़े दिनों पहले किया था हमने, क्या था यार, मजाक में लगे हुए आप, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, वज्र प्रहार इंडिया में हुई थी, युद्ध अभ्यास अलास्का में हुआ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप एवरीथिंग हैव बीन टेकन केयर ऑफ एंड आपने अच्छे से कर लिया है। रशिया के साथ तो इंद्र है, इंद्र,
चले दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अब किसी दूसरे सेशन में। लेकिन अभी कुछ डाउट है आपको, कुछ इसमें पूछना है, कुछ समझ नहीं आया हो, रेपो रेट जैसी कुछ चीज़, तो यू कैन आस्क मी नाउ। आई एम हेयर ओनली फॉर यू गाइस टू गिव आंसर्स एंड सॉल्विंग योर डाउट्स। शेयर कर दूं फिर, ये शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, अभी क्लास की बात कर देता हूँ, ठीक है? चलिए दोस्तों, मुलाकात होती है फिर आपसे कल। दिस इज सनी वर्मा साइनिंग ऑफ। यू गाइस टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।